Hello friends, welcome back to my channel. This video is on chain cleaning and chain loop process. ये एक complete chain cleaning process है, तो please ये video end तक आप जरूर देखें, काफ़ी informative है. And if you feel ये थोड़ा भी आपका help हुआ after watching this, then please like and subscribe my channel. ये मैंने Flipkart से मंगाया था chain cleaner, since I got brush free with it. और ये 500 ml था, around 300 something का. तो मैं ये chain clean कर रहा हूँ अभी. और मेक श्योर जब भी आपका फिंगर कांटेक्ट में ना हो चैन का, तभी आप गाड़ी स्टार्ट करके गियर में डाल के ये सारा प्रोसेस करें. जब भी आपको हाथ से क्लीन करना हो, तब मेक श्योर कि आपका गाड़ी ऑफ कंडीशन में हो और आप उसको सेंटर स्टैंड में डाल के हाथ से रोटेट कर लिए व्हील, और उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस अपना करें. तो अभी ये क्लीनिंग हो रहा है. अब जैसा मैंने बोला, मैंने सेंटर स्टैंड पे डाल लिया है और गाड़ी ऑफ है, और मैं हाथों से उसे व्हील को रोटेट करके अपना क्लीनिंग प्रोसेस करूँगा. और ये ब्रश काफ़ी यूजफुल है, तो लास्ट टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने कपड़े के यूज़ से किया था. बट ये ब्रश होने के कारण काफ़ी इजी हो गया मेरा ये कंप्लीट प्रोसेस. और आज मैं बहुत टायर्ड भी था, सुबह बैडमिंटन खेल के मैं अराउंड 10 o'clock लौटा. आज वीकेंड है, तो थोड़ा टू एंड हाफ आवर हमने खेल लिया था फिर. बट आज था कि मुझे चैन लूप करना है, तो मैंने आज ये कंप्लीट किया. अभी थोड़ा हम चैन स्प्रॉकेट के ऊपर भी ये स्प्रे डाल के क्लीन कर लेंगे. आप कोई भी क्लीनर या ल्यूब यूज कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है. और ये मेरा सेकंड टाइम है, तो मैं भी जब ये ओवर होगा तो कुछ और प्रोडक्ट ट्राई करूँगा. बट ज़रूरी है कि आप हर 400 to 500 किलोमीटर एक बार जरूर ल्यूब और क्लीनिंग कर लें. और अभी तो मानसून सीजन है, तो अभी और भी ज़रूरी है. मेरी गाड़ी आप देख सकते हो कितना ख़राब कंडीशन है. तो क्लीन हो जाने के बाद वॉशिंग के लिए मैं दूंगा. और यहाँ ये ज़रूरी आप मेक श्योर करें, जब भी आप कपड़े से पोंछ रहे हो चैन और इस पोजीशन पे, तो हमेशा आप इस डायरेक्शन में ही व्हील रोटेट करें, ताकि आप फिंगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो. कभी भी चांस ना रहे कि चैन स्प्रॉकेट के अंदर चले जाए और वो हल्का कट या कुछ भी हो, तो वो हमेशा ध्यान दें आप. मैंने भी ये काफ़ी लोगों का जो YouTube वीडियो है उस पर देख के मैंने ये खुद भी सीखा है. तो ये मैं बोल रहा था उस टाइम, अगर आप हाथों से और कपड़े की मदद से आप जब भी चैन को वाइप कर रहे हैं या जो भी, तो आप हमेशा इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करें व्हील को, ताकि कभी भी चांस ना रहे कि आपका उंगली गलती से भी चैन स्प्रॉकेट के आसपास चले जाए. तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने गलत तरीके से जब भी चैन क्लीन किया है तो डैमेज हुआ है उनका फिंगर. आप देख सकते हैं ये क्लीनिंग होने के बाद
कैसा दिख रहा है। ऑलमोस्ट जो भी डर्ट पार्टिकल था और जितना भी पुराना ऑयल के कारण जो भी मड फैला था वो सारा क्लीन हो गया है। और अब मैंने इसे वॉशिंग के लिए लाया। अगर आप जब भी क्लीन करो चैन, या अगर आप बाइक अच्छे कंडीशन में है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल क्लीनिंग और ल्यूब कर लो। बट अगर ऑलरेडी बाइक काफ़ी गंदा है तो आप सही रहता है आप क्लीनिंग कर लो, उसके बाद वॉशिंग करा लो और फिर घर आके वापस से ल्यूब्रिकेंट अप्लाई कर दो। ये देखिए, मैं चेक कर रहा था कि जो भी ग्रीस वगैरह था पुराना हमारा, वो हटा नहीं हटा। तो जैसा आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारा चला गया है। तो हमारा जो क्लीनर था वो काफ़ी अच्छा काम किया है। ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम वो ट्राई किया था और मुझे मैं डाउटफुल भी था कैसा रहेगा, क्योंकि कहीं भी कोई रिव्यू है नहीं उसका। हो गया अब जब तक बाइक ट्राई, बट ओवरऑल अच्छा ही रहा। फटाफट से ये पॉलिश लगाता हूँ तो, और तब तक बाइक भी ड्राई हो जाएगा, फिर मैं चैन ल्यूब फाइनल स्टेप अपना आज का ये कर लूँगा। ये पॉलिश मैंने रखा था अपने कार के लिए, तो आफ्टर वॉशिंग मैंने मना कर दिया था शॉप वाले को पॉलिश के लिए, और मैंने खुद से ये अप्लाई किया है। ये काफ़ी अच्छा पॉलिश है, अगर आपको कार या बाइक के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो। मैं ये काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ और ये फाइनल स्टेप हमारा आज का, ये ल्यूब अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो अभी जैसा मेरा हाथ कॉन्टैक्ट में नहीं है चैन का, तो मैंने बाइक स्टार्ट कर दिया और एक गियर पे डाल के और आराम से ये ल्यूब्रिकेंट अप्लाई कर दिया। अगर आप चाहो तो स्विच बाइक ऑफ करके भी आप कर सकते हो, बट ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस है और सेफ भी है, क्योंकि हाथ कॉन्टैक्ट में है नहीं और छोड़ने का ऐसा चांसेस बहुत है ही नहीं। बट फिर भी आप अपना जो भी सही लगे आप वैसा करो, मेरे तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे लिए जो सही लगा मैंने किया है। ये ल्यूब काफ़ी सही है, चिपचिपा सही सा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल सही है। और ये जो भी एक्स्ट्रा आप ल्यूब देख रहे हैं उसको कपड़े से पोंछ देना है बाद में। ये फाइनली मैंने ल्यूब करने के बाद और पॉलिश के बाद ये वीडियो निकाला है। ये थोड़ा पॉलिश लगता है मुझे फिर से वर्क करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप देख सकते हैं पॉलिश कैसा हुआ है। मैंने ये एक्स्ट्रा ल्यूब जो भी फैला हुआ था मैंने पोंछ दिया है कपड़े से, तो अब ये प्रॉपर है। ये आज का मेरा टूल किट, ल्यूब क्लीनर पॉलिश ब्रश, ये काफ़ी हेल्पफुल था आज ये सारा कंप्लीट प्रोसेस में मेरे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।